हेलो चिल्ड्रन, आप सभी ने इस तरह का पेंसिल बॉक्स जरूर यूज किया होगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कोई भी लॉक वाला अरेंजमेंट नहीं है इसको बंद करने के लिए, फिर भी इसका ढक्कन बिल्कुल टाइट बंद रहता है, ऐसा क्यों है? इसी तरह से जो हमारे घर में फ्रिज की डोर्स हैं, अगर हम उसे खोल के जैसे ही छोड़ते हैं वो डोर्स जाके फ्रिज के साथ बिल्कुल अच्छे से बंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? आइए इन सवालों के जवाब के लिए चलते हैं पार्ट 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन में। और पता है बच्चों, जब हम इस पार्ट को पूरा पढ़ लेंगे तो हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, आइए देखते हैं। चुंबक क्या है, मैग्नेट क्या होती है, ये आप इस पार्ट में अच्छे से जान पाएंगे। साथ ही चुंबक की खोज कैसे हुई इसके लिए मैं सुनाऊंगी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो हमारे चारों ओर के पदार्थ हैं, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ के टाइप्स में। चुंबक के ध्रुव, पता है चुंबक के भी ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, वो हम ढूंढेंगे इस चैप्टर में। साथ ही चुंबक की सहायता से हम देखेंगे कि हम किस तरह से दिशा ज्ञात कर सकते हैं, किस तरह से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं चुंबक की मदद से। तो बच्चों, आपको हिंट तो मिल ही गया होगा कि वो इनविजिबल सब्सटेंस जो पेंसिल बॉक्स के ढक्कन को टाइटली बंद रख रहा है और साथ ही फ्रिज की डोर को अपनी तरफ खींच रहा है, उसे हम चुंबक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसा पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम चुंबक कहते हैं। यही पदार्थ आपका पेंसिल बॉक्स में लगा हुआ था, क्योंकि पेंसिल बॉक्स लोहे का बना हुआ था। साथ ही जो फ्रिज होते हैं वो भी लोहे के मटेरियल से बने होते हैं, उसके अंदर भी चुंबक लगा हुआ था, जिसकी वजह से डोर ऑटोमेटिकली जाके टाइटली बंद हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, वो ये कि जो पहले फ्रिज बने होते थे उनके अंदर जो डोर्स थे वो मैग्नेटिक नहीं होते थे। उससे क्या होता था कि बच्चे अगर कभी हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो कुछ शरारती बच्चे जाकर फ्रिज में छुप जाते थे, और फ्रिज में जब बच्चे छुप जाते थे तो अंदर का जो प्रेशर होता था ठंडी हवा का, वो इतना ज्यादा होता था कि वो अंदर से दरवाजे को खोल ही नहीं पाते थे। इससे कई मिसहैपनिंग्स हो जाती थी और बच्चे कई बार फंसे भी रह जाते थे। साथ ही जो रबर लाइनिंग होती थी फ्रिज की, वो एक आवाज को, जो बच्चों की आवाज है उसको बाहर नहीं आने देती थी। इसी वजह से जो डोर्स थे उसके अंदर मैग्नेट लगाया गया ताकि वो आसानी से कन्वीनियंटली हम उसको खोल सके और बंद भी कर सके। तो आइए देखते हैं चुंबक के और कौन से यूजेस हैं, यानी कि चुंबक के उपयोग। तो चुंबक जो है कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहले कबाड़ से लोहे को अलग करना। आप में से आपने कभी ना कभी बहुत खुले मैदानों में, बहुत बड़े बड़े जहां कबाड़ के ढेर लगे होते हैं, वहां पर क्रेन्स जो हैं उस कबाड़ के ढेर में से लोहे को अलग करती हैं। जो क्रेन्स हैं उनके एंड पे बहुत बड़ा मैग्नेट लगा होता है, और जब वो मैग्नेट कूड़े के ढेर के पास लेके जाया जाता है तो अंदर जितना भी लोहे के आर्टिकल्स, छोटा मोटा जो भी सामान है वो उसके ऊपर जाकर चिपक जाता है और फिर उसे सेपरेट कर लिया जाता है, क्योंकि लोहा जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसका आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, स्टिकर्स। आपके घरों में या आपने कहीं ना कहीं अलमारी पे कहीं ना कहीं जरूर स्टिकर्स देखे होंगे जो मैग्नेटिक होते हैं, पीछे काले रंग का गोल मैग्नेट लगा होता है और वो आसानी से लोहे के बोर्ड पर भी चिपक जाते हैं। पिन होल्डर्स जी, ऑफिसेस में आपने पिन होल्डर्स शायद देखा हो। ये कुछ इस तरीके का होता है, बीच में एक मैग्नेट लगा होता है सिलिंड्रिकल शेप का, और जितनी भी ऑल पिन्स, बॉल पिन्स वगैरह हैं, वो इसके अंदर डाल दी जाती हैं। तो क्योंकि मैग्नेट लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी वजह से पिन्स जो है वो आसानी से इसके ऊपर इकट्ठी रह जाती हैं, जिससे ढूंढने में परेशानी नहीं होती, और ये सेफ्टी भी हो जाती है कि पिन कभी चुभेगी भी नहीं इस तरह से अगर होल्डर में डालकर रखेंगे तो। खिलौनों में, बहुत सारे खिलौनों में जो मैग्नेट्स लगे होते हैं, तो खिलौनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ स्पीकर्स जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे काम करते हैं, इसलिए उनके अंदर भी बहुत हेवी जो है वो मैग्नेट्स लगे होते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।
आज हमने सीखा चुंबक और बहुत सारे उसके उपयोग। अब आपकी बारी, आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है। और अपनी अगले वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी चुंबक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तब तक आप वीडियो देखकर नोट्स बनाइए और अपने टीचर को सबमिट कीजिए। थैंक यू। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।